भाजपा नेता मनोज पोद्दार के नेतृत्व में रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के संपादक अर्णव गोस्वामी की गलत तरीके से गिरफ्तारी और उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ शांतिपूर्ण चकाए चौराहा पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। श्री पोद्दार ने कहा, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा देश के चौथे स्तंभ के खिलाफ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किए जाने पर आज पूरा देश महाराष्ट्र की सरकार की निंदा कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना को लेकर देश के चौथे स्तंभ को कुचलने की कोशिश की है, जबकि रिपब्लिक भारत के संपादक अर्णव गोस्वामी हमेशा देश को सही आईना और सच्ची खबर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में उन्हें ईवीएम के माध्यम से पता चल जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अंगराज राय ने कहा, महाराष्ट्र सरकार अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। मौके पर चंदन कुमार, फाल्गुनी कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता एबीपी, दीपक शर्मा, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सीताराम शास्त्री मंडल, उपाध्यक्ष चकाई धीरज गुप्ता, चकाई विधानसभा सोशल मीडिया प्रभारी नीरज यादव, चकाई मंडल सोशल मीडिया प्रभारी अभय पासवान, जिला मंत्री भाजीमो सोनू तिवारी, शंभू शर्मा, जिला संयोजक भाजीमो कमल क्लब बबलू कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे। आज के विशेष खबरों में इतना ही। बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद।